हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो पीपीआर हमारी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की आई है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट का पीपीआर हमें रिसीव हुआ है। हमारे स्टूडेंट के जो वाइफ हैं उनका, जिस स्टूडेंट का 18 ईयर्स का स्टडी गैप था और उनकी जो एज 42 थी, उनका स्टडी वीजा भी मैंने ही अप्लाई किया था और उनकी वाइफ का जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है वो भी मैंने ही अप्लाई किया था और उनका हमारा पीपीआर रिसीव हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे केसेस होते हैं जिनको मैं डिस्कस करने जाता हूँ। हमें भी अच्छा लगता है जब ऐसे केसेस का वीजा अप्रूव होके आता है या पीपीआर आती है। इस केस में जो और मेन कैंडिडेट है, जो हस्बैंड है, उनका जो प्रोग्राम है वो 1 ईयर का प्रोग्राम था और हमने 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद उनके प्रोग्राम, जैसे उन्होंने मई में स्टार्ट करा था तो अगस्त सितंबर में हमने उनकी फाइल प्रोसेस कर दी थी और सितंबर 9 को हमने इनकी फाइल्स अपलोड की थी और 21 अक्टूबर को इनका जो पीपीआर है वो रिसीव हुआ है। ये बेसिकली ओडिशा से हैं, भुवनेश्वर से। हमारा ऑनलाइन जो स्टूडेंट थे, जो हमारे यूट्यूब को जैसे हम वीडियोस डालते हैं वहाँ से उनको देख के, उनके जो हस्बैंड थे पहले, उन्होंने स्टडी वीज़ा के लिए हमसे अप्लाई किया था और ये उन्होंने इसके बाद अब स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस भी स्टूडेंट्स या उनके स्पाउस को, किसी को भी स्पाउस ओपन वर्क परमिट या स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, वो आप एक बार कॉल करें और अपना केस डिस्कस करें। वी विल प्रोवाइड यू द जेन्युइन सर्विसेज विद दिस गाइस। थैंक यू वेरी मच।